तैयारियों के साथ में यहाँ पर बैंड बाजा के साथ यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। हट की ये तस्वीर है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे लोग की भीड़ या उमड़ी पड़ी है। लोग पूजा पाठ करने पहुँचे हैं, भगवान भास्कर को अर्घ देने पहुँचे हैं, पूजा करने पहुँचे हैं। तथा जो वर्दियाँ हैं वो गंगा में है अर्घ देती हुई नजर आ रही है। देखें आप कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है। लोग अभी भी पहुँच रहे हैं और कल सुबह का अर्घ है, फिलहाल ये शाम का अर्घ है और कल सुबह का अर्घ होगा। लेकिन शाम की अर्घ की आप तस्वीरें देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि कितनी भीड़ उमड़ी हुई है और पूरा माहौल भक्तिमय लग रहा है। छठी मैया की पूजा करते लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। छठ में आई है, छठ में आई है, कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है। नहीं मेरे यहाँ नहीं होता है, अर्घ दिलवाने आए हैं। हाँ अर्घ दिलवाने आए हैं। हाँ हाँ दिला दिए, दिला दिए। और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी दिनों के बाद इतनी भीड़ भाड़ हुई है छठ पे और लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो काफ़ी दिनों के बाद पहुँचे कैसा लगता है? ठीक लगता है। आप क्या ठीक लगता है? आप उमंग और भीड़ देख सकते हैं कि किस प्रकार की उमंग लोगों में दिखाई दे रही है। छठ का माहौल है और छठ के माहौल को लेकर के लगातार उमंग हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये चैती छठ है लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि लोगों की जो आस्था है, जो विश्वास है, वो यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, बूढ़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, छठी माँ को अर्घ देने के लिए पहुँचे हुए हैं और अपनी आस्था को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा कि जिस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है, जो ये भव्य माहौल नज़र आ रहा है, इस माहौल में हर कोई भक्तिमय होना चाहेगा। तो आप देखिए कि कैसे लोगों का अब जाना भी शुरू हो चुका है क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और इसके बाद लोग जाना शुरू कर चुके हैं धीरे धीरे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ आप देखिए कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो ठहरे हुए हैं और इस पूरे माहौल का आनंद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन आशीष से कि बैंड बाजे की भी कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दें कि कैसे बैंड बाजे पे भी लोग झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन से कि सारी तस्वीरें आपको अच्छे से दिखा पाएं कि दिघा घाट की तस्वीर है जब छठ की पूजा करने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। चैती छठ का अभी शुभ पावन महीना चल रहा है, आज छठ का तीसरा दिन है, नहाई खाए से इसकी शुरुआत होती है, फिर खरना और आज शाम का अर्घ है और शाम के अर्घ में लोग दिघा घाट पहुँचे हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से काफ़ी रोक टोक किया जा रहा था, प्रशासन की तरफ से काफ़ी पाबंदियाँ लगाई गई थी लेकिन इस बार कोई पाबंदियाँ नहीं है। हाँ सरकार थोड़ी अलर्ट ज़रूर है लेकिन पाबंदियाँ फिलहाल नहीं लगाई गई हैं और इसीलिए लोगों का हुजूम यहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए कि किस प्रकार से लोग डाला लेके वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। डाला लेकर के जिनके यहाँ छठ होता है वो लोग आते हैं और यहाँ पे अर्घ देते हैं छठी माता को, भास्कर दिनानाथ को और अब वो सब वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बोले ना। हाँ और भी हम कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। छठ करने आई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद कोई पाबंदी नहीं लगाया गया है, सब अच्छा लग रहा है। हाँ कौन कौन आया आपके साथ? पूरा फैमिली आया। कहाँ से आई आप? फुलवाड़ी शरीफ। हाँ आप लोग सब एक साथ हैं? हाँ सब एक साथ हैं। तो देखिए कि यहाँ पे इनके प्रसाद भी ये लोग रखे हैं। आप लोग यहीं पे बैठी हैं? यहीं पे बैठी हैं। छठ का गाना सुना दीजिए। नहीं गीत सुना दीजिए, हमको नहीं आता है। बता दें आपको कि यहाँ पर फिलहाल छठ का पूरा जो माहौल देख करके आप भी शायद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, आप भी यहाँ आना चाहेंगे क्योंकि ये माहौल ही एक अलग माहौल होता है। जब बिहार का छठ पर्व सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, छठ पर्व में हर कोई अपने घर को आता है, कोई कहीं भी रहे, लेकिन छठ एक ऐसा मौका होता है जब सब अपने
परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और एक यही वो मौका है जब अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने परिवार के साथ छठ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी तस्वीर दीघा घाट की है, पटना के दीघा घाट की है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग आए हैं और झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि कैसे लोग झूमते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए इस पूरी तस्वीर को देखिए। छठ का तीसरा दिन है, चेटीचंद की शुरुआत दो दिन पहले ही हो गई, पहले नहाए खाए फिर खरना और आज तीसरा दिन है यानी कि शाम का अर्घ है। आप देख पा रहे होंगे अपनी तस्वीरों में कि किस प्रकार की भीड़ यहाँ नजर आ रही है। दो साल के बाद लोग घरों से बाहर निकले हैं और कोरोना के प्रोटोकॉल को ना पालन करते हुए छठ का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं दीघा घाट पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। लोग यहाँ आए हैं, पूजा अर्चना करने आए हैं, छठी मैया का पूजा करने आए हैं, भास्कर का पूजा करने आए हैं। तो ये तस्वीर फिलहाल दीघा घाट की और हम चाहेंगे कि आप इस पूरी तस्वीर को देखिए कि कितना भक्तिमय इस वक्त घाट पर बसा हुआ है। पूरे सारे लोग भक्ति में नजर आ रहे हैं और चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, लड़कियां हो, हर कोई इस वक्त यहां घाट पर मौजूद है और पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही है। तमाम तरीके के बैंड बाजा भी यहां फिलहाल बजाए जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हर कोई पूरी भक्ति में ही नजर आ रहा है। प्रसाद आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कैसे सूप में प्रसाद डले हुए हैं और वहाँ पर वर्दियाँ जो हैं वो बैठी हैं और सूर्य दिनानाथ का कह सकते इंतज़ार कर रही हैं और उन्हें अर्घ देने का इंतज़ार कर रही हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये पूरी तस्वीर दीघा घाट की है, पटना के दीघा घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर भक्तों की तादाद है, भक्त उमड़े हुए हैं और यहाँ पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हैं। कैमरा मैन आशीष के साथ मैं रुचिका, पटना। तो आपने देखा कि दीघा घाट में कैसे भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी और इस बार कोरोना के कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे इसलिए भक्त काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे, क्योंकि दो साल से हमने देखा है कि सरकार के काफ़ी कोरोना के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिस वजह से लोग पूजा पाठ भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उतने लोगों का आना नहीं अलाउ किया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन इस बार कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं लगाई गई हैं और इसीलिए लोग खुशी से यहाँ पूजा करने पहुँचे हैं, छठी मैया का दर्शन करने पहुँचे हैं, वर्तियाँ अर्घ देने पहुँची हैं। आज छठ का तीसरा दिन है और कल चौथा दिन है, यानी कि जो चार दिन का ये पर्व होता है कल आखिरी दिन है इसका। वहीं लोगों की आप खुशी उनके चेहरे पर देख सकते हैं कि कितने खुश वो नज़र आ रही हैं। ये पूरा माहौल भक्ति में लीन नज़र आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लें। आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।